गुड मॉर्निंग। कल एल्कोहल शुरू किया था। एल्कोहल में एल्कोहल की परिभाषा, एल्कोहल का वर्गीकरण, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र वर्गीकरण और एल्कोहल का नामकरण, इसके बाद शुरू होता है एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ। आज है पहली है एल्कीन से, एल्कीन में तीन विधियां हैं। पहला है एल्कीन का जलयोजन, दूसरा है हाइड्रोबोरोनन, और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, तो बोर्ड में हाइड्रोबोरोनन और ऑक्सीमर्क्यूरीकरण एक नंबर का आ जाता है। पहला है एल्कीन का जलयोजन, कि जब एल्कीन जल के साथ उत्प्रेरक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल या अन्य Al2O3 की उपस्थिति में क्रिया करती है तो एल्कीन का निर्माण होता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH चेंज, यहाँ क्या लेंगे, तनु H2SO4, इससे एथेनॉल प्राप्त होता है। यदि असममित एल्कीन ली जाए, तो जल अणु का योग मार्कोनिकाफ के नियम के अनुसार होता है, इसमें द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। मार्कोनिकाफ नियम आप जानते हैं, असंतृप्त एल्कीन की योगात्मक क्रिया में ध्रुवीय अणु का अधिक ऋणात्मक भाग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर H परमाणु संख्या कम होती है। देखिए, आपको मैं प्लस फिर बताता हूँ, प्लस वन में बताया था, ये मार्कोनिकाफ नियम है। जैसे प्रोपीन HBr के साथ अभिक्रिया करती है तो इसमें 2-bromo-propane बनता है, नए की वन, जैसे कि आपने एल्किल हैलाइड में किया होगा। एल्किल हैलाइड में आपने पढ़ा मार्कोनिकाफ नियम, तो यहाँ भी क्या होता है, जल एच, अब असममित एल्किल जैसे CH3 प्लस HOH, जल में H होता है पॉजिटिव, OH होता है नेगेटिव, इसलिए ये H है वो कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर, और OH बीच वाले कार्बन पर, इसमें क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ क्या आ जाएगा, OH। ये मार्कोनिकाफ नियम है, ध्यान रखना। बोर्ड में क्या होता है कि आपको इतना
इतने समीकरण दे देंगे, तो इसमें आपको वन प्रोपेनॉल न बनाकर टू प्रोपेनॉल बनाना है, क्योंकि इसमें जल का योग मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होता है। ठीक इसी प्रकार बोर्ड में आपको ये दे देंगे परीक्षा में, ये उसको आपको पूरा करना होगा। धारण आप समझ जाएंगे, अगर यहाँ पराक्साइड है तब तो यहाँ बनेगा वन ब्रह्मो। ध्यान रहे असममित एल्कीन में ध्रुवीय अणु है, योग कराना है। यदि यहाँ उत्प्रेरक पराक्साइड या ऑक्सीजन है तब तो बनेगा वन व्युत्पन्न। यदि एरो पर पराक्साइड नहीं है तो इसमें द्वितीयक व्युत्पन्न बनता है, जैसे प्रोपीन HBr से क्रिया करके टू ब्रोमो प्रोपेन बनाती है, न कि वन ब्रोमो प्रोपेन। तो ये था जल एल्कीन का जल योजन। एक बात और याद रखना, JEE IIT नेट में आ जाता है क्या कि एल्कीन के जल योजन में मेथेनॉल प्राप्त नहीं होता है। परीक्षा में कंपटीशन में ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एल्कीन से एल्कोहल बनते हैं, तो एल्कीन से मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेथेनॉल में केवल एक कार्बन होती है, जबकि एल्कीन में कम से कम दो कार्बन होती है। इसलिए एल्कीन से प्राप्त होने वाला प्रथम एल्कोहल कौन सा होता है? एथेनॉल। तो इसके बाद आता है हाइड्रोबोरोनन। हाइड्रोबोरोनन ये क्रिया होती है डाइबोरेन से, प्लस वन में आपको बताया था पी ब्लॉक के वर्ग 13 में डाइबोरेन B2H6 क्या होता है? डाइबोरेन होता है। B2H6 क्या होता है? डाइबोरेन होता है। तो जब एल्कीन THF विलायक की उपस्थिति में डाइबोरेन से क्रिया करती है तो योगशील यौगिक ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। योगशील यौगिक ट्राई एल्किल बोरेन बनता है जो क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन पराक्साइड से ऑक्सीकृत होकर या H2O2 से ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल बनाती है। इस संपूर्ण अभिक्रिया को हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो ये क्रिया के नंबर की आ जाती है कि बोर्ड में आ जाता है हाइड्रोबोरोनन क्या है। तो इसमें इस क्रिया में एल्कीन से एल्कोहल बनते हैं, इसमें भी डाइबोरेन का जो योग है वो मार्कोनी काप के नियम के अनुसार ही होता है। जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, हम तीन अणु क्या लेते हैं एल्कीन के, और इसकी क्रिया कराएंगे डाइबोरेन से क्या होता है? अणु टूटकर बोरेन में चेंज हो जाता है, ये बन जाता है BH3। क्या बन जाता है? BH3। तो यहाँ HBH लिखे गए, यहाँ पर ये बन गया बोरेन। तो क्यों सी H क्या है? यहाँ नेगेटिव है, B क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए H है वो कार्बोनेट। बी यहाँ क्या हो जाएगा? BH3। यहाँ H नेगेटिव, B क्या है? पॉजिटिव है, तो बी इसमें कहाँ जुड़ जाएगा? जहाँ अधिक H है और H कहाँ जुड़ेगा? तो H संख्या कम है, तो H यश में क्या होगा? मार्कोनी काप के नियम के अनुसार ये योग होता है इसका RCH2CH2। ये एक योगशील यौगिक बन जाता है, इसे कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन।
क्योंकि तीन अणु एल्केन के, इसे क्या बोलते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन। और ये ट्राई एल्किल बोरेन हाइड्रोजन पराक्साइड क्षार NaOH की उपस्थिति में, इसमें ये BOH का होल थ्राइस है वो अलग हो जाएगा और इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, 3RCH2CH2OH प्लस BOH का होल, ये बन जाता है एल्कोहल। तो यहाँ अगर हम ले लें CH3, क्या ले लें CH3, यहाँ बनेगा ट्राई प्रोपिल बोरेन, ये क्या बनेगा ट्राई प्रोपिल बोरेन, जो हाइड्रोजन पराक्साइड से ऑक्सीकृत होकर प्रोपेनॉल देता है और बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसे क्या कहते हैं बोरोन हाइड्रो बोरोनन। इसके बाद आती है क्रिया तीसरी ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरी करण, ऑक्सी मर्क्यूरी करण। एल्कीन ध्रुवीय माध्यम की उपस्थिति में मर्क्यूरी एसीटेट के साथ क्रिया करती है तो योगशील यौगिक बनाती है, जो क्षार या माध्यम में सोडियम बोराइड यानी सोडियम बोरोन हाइड्राइड से अपचित होकर एल्कोहल बनाती है, इस क्रिया को एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण कहते हैं। जैसे वन ब्यूटीन प्लस मर्क्यूरी एसीटेट THF की प्रेजेंस में, TH टेट्राहाइड्रोपुरेन की प्रेजेंस में क्रिया करके और आगे CH2HG ये बनता है योगशील यौगिक, कि जब एल्कीन मर्क्यूरी एसीटेट के साथ क्रिया करती है एक योगशील यौगिक बनाती है, जो क्षार की उपस्थिति में सोडियम बोरोन हाइड्राइड से अपचित होकर एल्कोहल बनाती है। और ये कौन सा एल्कोहल बनता है, द्वितीय एल्कोहल प्लस CH3COOH और प्लस HG। तो ये तीन विधियां हैं, परीक्षा में पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, तो ये ऑक्सी मर्क्यूरीकरण की समीकरण है। ये तीन विधियां एल्कोहल बनाने किससे है, एल्कीन से है, नंबर एक एल्कीन का जलयोजन, नंबर दो हाइड्रोबोरन, तीन ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। इसमें प्रथम दोनों क्रियाएं जलयोजन और हाइड्रोबोरन दोनों में मार्कोनिक ऑफ नियम का उपयोग होता है। इसके बाद नंबर दो आता है ग्रीनयार अभिकर्मक से, ये थी प्रथम विधि, दूसरी है ग्रीनयार अभिकर्मक। में बताया गया ग्रीनयार अभिकर्मक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, अगर ध्यान है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रीनयार अभिकर्मक कहते हैं, यानी कि RMGX ये ग्रीनयार अभिकर्मक होता है। आपको पिछले अध्याय में बताया गया था कि जब एल्किल हैलाइड MG के साथ इथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है,
RMGX बनता है, जिसे ग्रीन यार्ड अभिकर्म कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण ग्रीन यार्ड ने किया था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया ग्रीन यार्ड अभिकर्मक। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिकर्मक है। इस अभिकर्मक की सहायता से कार्बनिक रसायन में अनेकों यौगिकों का निर्माण किया जाता है, और ये एक विस्फोटक प्रकृति का होता है, क्योंकि यह सभी विलायकों से क्रिया कर लेता है। केवल ये इथर ये ही विलायक में ही क्रिया करता है, इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब क्रिया होती है तो यहाँ इथर का उपयोग जरूर होता है, क्योंकि इथर या मध्य में ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करते हैं, अन्य विलायकों से ये क्रिया कर लेते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कार्बनिक यौगिक होते हुए ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है और सभी विलायकों से क्रिया कर लेता है। प्रश्न आ जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण के लिए इथर का ही चयन क्यों करते हैं, ये पिछले पाठ में कराया आपको, तो चूंकि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अत्यंत क्रियाशील अभिकर्मक है, इसीलिए ये इथर विलायक में ही प्रयुक्त होते हैं। तो दूसरी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, यानी किसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसमें तीनों ही प्रकार के अल्कोहल बनते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में प्राथमिक द्वितीय को तीनों ही अल्कोहलों का निर्माण किया जाता है, और तीनों के बनाने की समीकरण भी बहुत आसान है। अगर एक समीकरण याद हो जाए तो तीनों समीकरणें याद हो जाएंगी। और दूसरा, एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री, यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल निर्माण के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन का उपयोग किया जाता है, ये अगले पाठ में, इसलिए दोनों पाठों में आएगा। तो दूसरी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लिखेंगे कि इस अभिकर्मक द्वारा एक डिग्री, दो डिग्री और तीन डिग्री तीनों ही प्रकार के अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। और पहला है एक डिग्री, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, इनके निर्माण के लिए लेते हैं मेथेनेल, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO को क्या कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और आपने IUPAC में पढ़ा नामकरण, एल्केन के लिए एल अनुलग्न लगता है, अगर एक कार्बन है मेथेनेल, दो है एथेनेल, तो इसमें एक ही कार्बन है, इसे क्या बोलते हैं मेथेनिल। तो जब मेथेनिल के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है तो पहले योगशील यौगिक बनता है, देखिए यहाँ ओ ज़्यादा ऋणीय कार्बन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ओ पर क्या होता है निगेटिव होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ये जो R है ये क्या होता है इस कार्बन जुड़ता है और MGX यहाँ जुड़ता है, यहाँ पर जुड़ता है, इसलिए इसमें योगशील यौगिक क्या बनता है मध्यवर्ती यौगिक बनता है, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन से क्या बन जाएगा ROH प्लस MgOH और यहाँ X, इसको RCH2OH भी लिख सकते हैं,
आर सी एच टू ओ एच या आर सी एच टू ओ एच एम जी ओ एच एक्स, तो ये क्या बन गया एक डिग्री एल्को, कि जब मेथेनेल और ग्रिग्नार विकर्मक इथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, एक योगशील यौगिक बनाते हैं। यह यौगिक अम्लीय जल से क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। नंबर दो, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल बनता है एथेनेल से, किससे बनता है एथेनेल, सी एच थ्री सी एच ओ क्या बोलते हैं एथेनेल, यानी कि एसिटाल्डिहाइड। यहाँ हम सी एच थ्री कर देंगे तो वो अगर एक क्रिया याद हो जाती है, तीनों क्रिया याद हो जाए, क्योंकि यहाँ क्या कर देंगे हम सी एच थ्री, ये बन जाएगा सी एच थ्री यहाँ भी इथर, सेम वही क्रिया है ऊपर वाली, इस पर अम्लीय जल H3O पॉजिटिव कर दो, यहाँ बन जाएगा CH3 CHOH, आर्याश्वास लिख सकते हैं CH3 HR और OH प्लस MgX, ये क्या बन जाएगा द्वितीयक एल्कोहल। उसके बाद में तीसरा है तृतीयक एल्कोहल, तीन डिग्री। इसे बनाने के लिए लेते हैं एसीटोन यानी कि प्रोपेनोन, कीटोन बोलते हैं इसको आम भाषा में, एसीटोन, चूंकि इसमें तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको प्रोपेनोन। ग्रिग्नार विकर्मक से क्रिया कर योगशील यौगिक आगे उसी ऊपर की भांति अम्लीय जल से क्रिया कर तृतीयक एल्कोहल, तो ये तीनों एल्कोहल बनाने की समीकरण है। बोर्ड में आ जाता है कि आपको ये कितनी समीकरण दे देंगे, आगे अपने आप पूरी करनी होगी, या ये ए बी सी में आ जाता है, जैसे कैसे ये दे दिया आर प्लस आर एम जी एक्स इथर ए, यहाँ दे दिया अम्लीय जल, ये बन गया बी। बोर्ड में आ जाता है कि ए बी को पहचानिए, समझ जाएंगे ये कौन सा है द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। तो बोर्ड में तीन में से एक समीकरण आपको 2021 बोर्ड में जरूर मिलेगी, नोट कर लेना। आज ग्रिग्नार अभिकर्मक से एक डिग्री दो डिग्री तीन डिग्री एल्कोहल का जो निर्माण में से एक की बनाने की अभिक्रिया बोर्ड में आपको हर हालत में मिलेगी। इसमें एक बात और याद रखना, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण साइक्लोइथर के द्वारा भी किया जाता है, यानी फ्यूरेन यानी एथिलीन ऑक्साइड की क्रिया से भी प्राथमिक एल्कोहल बनता है। तो अपेक्षा माना जाता है कि एथिलीन ऑक्साइड और ग्रिग्नार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं,
तो इसमें आर एम जी एक्स प्लस ये यहाँ कर दो सी एच थ्री लो मर्जी कुछ सी एच थ्री एम जी एक्स सर आर बात एक ही है। तो ये मैथिल मैग्नीशियम एलाइड है, ये एथिलीन ऑक्साइड है, इसकी क्रिया से योगशील यौगिक जिसका अम्लीय माध्यम में जल प्रकटन करने से क्या बनता है प्रोपेनॉल, प्राथमिक एल्कोहल में क्या बनता है प्रोपेनॉल। तो ये एथिलीन ऑक्साइड से आ जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं, तो दो विधियां, चाहे कर दो फॉर्मेल्डिहाइड से, चाहे कर दो एथिलीन ऑक्साइड से। तो ये परीक्षा में एक समीकरण आपको मिलनी चाहिए। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तीनों ही प्रकार के एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। और ये तीनों समीकरण आगे प्लस अगले नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, क्योंकि हम पढ़ेंगे कार्बोनिल, तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों का अध्ययन करते हैं, उसमें क्रिया द्वारा फिर आपको अध्ययन करेंगे, इसको अभी से ध्यान से याद कर लेंगे। तीसरी विधि आती है, क्या है, कार्बोनिल का अपचयन। तो आप जानते हैं HCHO CH3CHO CH3CO CH3, यानी कि RCHO RCOR, इन्हें क्या बोलते हैं कार्बोनिल। एल्डिहाइड कीटोन को क्या बोलते हैं कार्बोनिल, कैसे, सी डबल बॉन्ड समूह को क्या होता है कार्बोनिल। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में सी डबल बॉन्ड समूह पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं कार्बोनिल। तो कार्बोनिल के अपचयन से भी एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। जब कार्बोनिल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या निकल की प्रेजेंस में H2 से क्रिया करते हैं तो ये अपचित होकर एल्कोहल देते हैं। जैसे एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है, और कीटोन के अपचयन से क्या बनता है द्वितीयक एल्कोहल। देखिए कैसे RCHO प्लस 2H, तो यहाँ उत्प्रेरक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, या हाथ से क्या बन जाएगा RCH2CH2OH, यानी कि एल्डिहाइड के अपचयन से क्या मिलेगा प्राथमिक एल्कोहल। अगर लेते हैं कीटोन, इसका अपचयन करने से क्या बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। एक बात याददाश्त करेंगे, अगर यहाँ उत्प्रेरक सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोजन ले, यानी कि यदि इनका अपचयन सोडियम बोरोहाइड्राइड से किया जाता है तो बनता तो एल्कोहल है, इसलिए नाम बन जाएगा बुओ ब्लांक अपचयन। इस नाम से अभिक्रिया आ जाती है कि बुओ ब्लांक अपचयन क्या होता है। इसमें RCHO प्लस 2H सोडियम बोरोहाइड्राइड RCOR प्लस 2H सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन क्रियाओं में
एल्डिहाइड से क्या बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल और से सेकेंडरी एल्कोहल। ये बुओ ब्लांक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्रिया है एक डिग्री एमीन, यानी कि प्राथमिक एमीन। कौन सी? प्राथमिक एमीन। जब प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करती है तो ये एल्कोहल का निर्माण करती है। कैसे? RnH2+HNO2 NaNO2। क्योंकि HNO2 एक सक्रिय अम्ल है, ये लेबोरेटरी में स्थायी रहता है, इसलिए इसको क्रिया के लिए इसको तुरंत बनाना पड़ता है। तो सोडियम नाइट्राइट और HCl को मिलाने से क्या बनेगा? HNO2। और ये इसका ऑक्सीकरण कर देगा, किसी में प्राथमिक एमीन को एल्कोहल में ऑक्सीकृत कर देता है। या एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ क्या ले ले, मेथिल एमीन, यह अपवाद है। अगर मेथिल एमीन लेते हैं तो नाइट्रस अम्ल मेथिल एमीन से क्या बनाता है? एल्कोहल न बनाकर डाइमेथिल ईथर बनाता है। तो ये अपवाद है, पूछ लेते हैं, ध्यान करना इस परीक्षा में कि नाइट्रस अम्ल मेथिल एमीन से क्रिया करके मेथिलनोल न देकर डाइमेथिल ईथर का निर्माण करता है। उसके बाद में है अम्ल और एस्टर का ऑप्शन, वो जैसे कीटोन और इसका ऑप्शन किया एल्डिहाइड का, ऐसे यहाँ क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो भी क्या अपचित होकर क्या देते हैं, एल्कोहल। और ऐसे ही आपने एल्किल हैलाइड का जल लिया, केओ से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल। ये ना RX+KOH जलीय, क्योंकि जलीय माध्यम का होना जरूरी है, तो क्या बनेगा, आरओएच, जो कि आपने SN1 SN2 क्रिया के अंदर किया है। यदि यह क्षारीय माध्यम है तो क्या बनेगी, एल्कीन। तो याद रखना एल्किल हैलाइड के ऑप्शन से भी एल्कोहल बनते हैं, कि जब एल्किल हैलाइड जलीय केओएच या जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा एल्कोहल का निर्माण करते हैं। इसमें आपकी दोनों क्रियाएं की होगी, SN1 SN2 दोनों क्रिया विधि इसी के आधार पर है। एक बात याद रखना कि यदि एल्कोहल ही केओएच लिया जाए तो यहाँ एल्किल एल्कोहल नया बन के एल्किन बनती है, जो या सेटजेफ का नियम आपको किया होगा, एल्किल हाइड में सेटजेफ का नियम लागू होता है। तो ये थे एल्कोहल की बनाने की सामान्य विधियाँ। तो आज का टॉपिक यही था, पूरा हुआ, नेक्स्ट टॉपिक कल शुरू करेंगे। थैंक यू।